स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मार्केट कमांडोज में। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा स्टील स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक को 120 के ऊपर ही हमने कहा कि थोड़ा वीकनेस दिख रहा है, और यहां देखेंगे पिछले 5 डेज में स्टॉक 8% करेक्ट होते हुए दिखा है। 1 मंथ में देखेंगे तो 10%, जबकि 6 मंथ के रिटर्न भी इस समय निगेटिव दिख रहे हैं। और जहां स्टॉक ने लोअर प्राइस 90 के आसपास से 122 तक के लेवल्स को टच करे, उसके बाद कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड दिख रहा है। ये डिपेंड करता है कि आपने कहां बाइंग करा। अगर 120 के आसपास करा तो आप लॉस में हैं, और अगर आपके बाइंग अगर लोअर लेवल 95 के आसपास का है तो अभी भी आप प्रॉफिट में हैं। यहां कुछ बड़ी खबर आते हुए दिखी है। पहला तो न्यूज ये है कि मर्जर को लेकर के देखेंगे तो सीईओ नरेंद्रन जी ने ये कहा है कि जो 7 कंपनी के मर्जर होने थे इसके एंटिटी के, उसको FY24 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। वो 7 कंपनी कौन से हैं देखेंगे तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, यहां आपको वो कंपनी दिखेंगे। यहां देखेंगे टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, टाटा मेटेलिक, TRF, इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट, टाटा स्टील माइनिंग एंड SNT माइनिंग कंपनी को यहां देखेंगे। तो ये सारी कंपनियां आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ ही आपको दिखाऊं तो आप पाएंगे कि यहाँ MD के तरफ से एक बड़ी बात ये कही गई है कि टाटा स्टील में नॉट हैव टू एड डेट टू फंड एक्विजिशन, यानी आगे किसी भी एक्विजिशन के लिए कंपनी को डेट लेने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो काफी सारे बाइंग देखने को मिली है निप्पॉन के द्वारा, मिराई एसेट्स के द्वारा, और ये सब नामी प्रतिष्ठित है। वही ICICI और मिराई एसेट्स टैक्स सेवर ने थोड़ा बहुत निकाला भी है, तो ओवरऑल देखे तो काफी बाइंग म्यूचुअल फंड के तरफ से भी होती हुई दिखी है। यहां अगर इसके टेक्निकल ट्रेंड को देखेंगे तो टेक्निकल वीकनेस काफी विजिबल है, और इस वीकनेस में जो 51% बाइंग कर रहा है उसको थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। अब इसके चार्ट पे बढ़ते हैं। इससे पहले कि लिंक जो टेलीग्राम के दिए गए हैं वो प्रीमियम कंटेंट इस समय आप सबों के लिए बिल्कुल फ्री है। यहां अगर आप इस स्टॉक को देखें तो आप क्या पाते हैं, आप पाते हैं कि यहां डबल ब्रेकडाउन हुआ, जहां इसने अपने मेजर सपोर्ट जो हायर हाई हायर लो का था, और ये देखेंगे कि जो 200 EMA के सपोर्ट थे उसको भी ब्रेक किया है। यहां मेरा मानना है कि अगर ये स्टॉक 95-100 के जोन में आता है तो एक अपॉर्चुनिटी है, उससे पहले लॉन्ग करने से बचें, या फिर यहां से ट्रेंड रिवर्सल के लिए इंपोर्टेंट है 116-118 के लेवल को ब्रेकआउट करना। तो 116 के लेवल को ध्यान में रखें, इसको ब्रेकआउट करता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर लेंगे, और 95-100 के लेवल के लिए जो इन्वेस्टर है उनको वेट करना चाहिए।